वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। कहा कि दुनिया में अमन कायम किए बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। वन बेल्ट वन रोड सदर शी जिनपिंग का शानदार मंसूबा है। सीपैक से पाकिस्तान में बहुत तरक्की हुई। उम्मीद है चीनी शहर शेंजन में पाकिस्तानी तलबा को तालीम के मजीद मौके दिए जाएंगे। मखसूस नशस्तों के केस में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अतर मीनल्लाह के दरमियान जुमलों का तबादला। जस्टिस अतर मीनल्लाह ने कहा कि पीटीआई मुसलसल शिकायत कर रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। चीफ जस्टिस ने मुदाखलत करके कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला इस वक्त सामने नहीं है, जब आएगा तब देखेंगे। पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने समंदर में मुनशियात की बड़ी खेप पकड़ ली। जब्त की जाने वाली मुनशियात की कीमत हज़ारों डॉलर्स है। आईएसपीआर के मुताबिक गुज़श्ता 10 दिनों में ये पाक बहरिया की मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ तीसरी बड़ी कार्रवाई है। तवक्कुआत के मुताबिक नशस्तें न मिलने के बावजूद मोदी भारत में हुकूमत बनाने के लिए तैयार। कहा, मुखालिफीन इतनी सीटें भी नहीं जीत सके जितनी बीजेपी ने अकेले जीती। 1962 के बाद पहली बार कोई जमात तीसरी बार इक्तदार में आएगी। और T20 वर्ल्ड कप में नेपाल की टीम नेदरलैंड्स के खिलाफ 106 रन पर ढेर हो गई। रोहित पाउडल 35 रन बनाकर नुमाया रहे। उधर बारबाडोस में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का मैच बारिश के बायस ना हो सका।